नैनीताल जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने हॉस्पिटल की साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की आईसीयू वार्ड में लगे 5 बेड में से केवल 3 बेड पर ही वेंटिलेटर लगे हैं, जबकि सभी में वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हॉस्पिटल में लगे सभी उपकरण को चालू हालत में रखा जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। 5 ICU बेड हैं लेकिन वेंटिलेटर 3 ही चालू हैं, जबकि कोविड के दौरान आप सबको पता है कि वेंटिलेटर की कितनी लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई। तो अब कहा गया है ये लोकल प्रशासनिक चीज़ें हैं, निरंतर जो इक्विपमेंट है नंबर एक वो चालू स्थिति में रहे, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे मशीन हो एक्सरे की, चाहे CT मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, चाहे आपके दूसरे मॉनिटर्स हों, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, से इक्विपमेंट होना ही पर्याप्त नहीं है, वो चालू स्थिति में होना चाहिए। और वहाँ का अंदर जो शौचालय था उसमें अंदर अलमारी में देखा कि खाली कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से यदि स्थानीय अस्पताल प्रशासन की निगरानी होती और अगर देखते तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। तो ये काफ़ी गंभीर चीज़ है, इसको राज्य सरकार के ध्यान में भी लाएंगे।